उत्तर प्रदेश के बलिया में यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और मंत्री अंबिका चौधरी का मामला उलझता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं उपेंद्र तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के माध्यम से सपा सरकार में राजस्व मंत्री रहे अपने प्रतिद्वंदी अंबिका चौधरी को प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कहा है। श्री तिवारी ने कहा कि राजस्व मंत्री रहते हुए भी चौधरी ने अपनी पारंपरिक संस्था को नियम विरुद्ध तरीके से लखनऊ के नौबस्ता में 13.5 बीघा जमीन सरकार से पट्टा दिलवाया, जिसके मेरे प्रयास में अब सिर्फ खाली ही नहीं कराया जा रहा है बल्कि उस पर ग्राम पंचायत का नाम पुनः दर्ज करा दिया गया है। आज इस जमीन की बाजारों कीमत 250 से 300 करोड़ रुपए है। इसी नुकसान से रंज करते हुए श्री चौधरी की साजिश से इनके चचेरे भाई नागा चौधरी, जो खाद्यान्न के घोटाले में दोषी हैं और 6.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का वांटेड है, मुझे फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई थी। चुनाव के बाद इसके खिलाफ भू माफिया का भी मुकदमा शुरू कराया जाएगा। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा लगाए गए ताजा आरोप पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का कहना है कि बलिया लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी हार रहा है और इसका मंत्री पद चुकी चुनाव के बाद नहीं, हमारी खुली चुनौती है कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, जब उनको मन करे वो चुनौती देंगे। उनकी हर एक चुनौती में स्वीकार करने के लिए 19 साल से स्वीकार किया हूँ। उनकी हर चुनौती को स्वीकार करके मुंह तोड़ जवाब दिया हूँ। जहाँ तक चरित्र की बात किया तो उनके भी चरित्र के बारे में और मेरे भी चरित्र के बारे में फेफना बलिया पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ क्या करता है। देखो ना, वो बता रहे हैं कि हॉस्टल में किसी शिक्षिका का आपने गलत दुर्व्यवहार किया था, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। ये क्या, चलिए ये तो बढ़िया है कि उन्होंने कहा है कि हॉस्टल में हॉस्टल की शिक्षिका के साथ, ये तो अच्छी बात है कि जब मैं स्टूडेंट होगा तो शिक्षिका की उम्र 45-50 साल की उम्र होगी, वो गुरु रही होंगी। और अगर मैं विश्वविद्यालय की राजनीति में रहा हूँ तो छात्र राजनीति में रहा हूँ तो कोई महिला भी चीफ प्रैक्टर हो सकती है, कोई पुरुष भी सुपरिटेंडेंट हो सकता है। इतना जरूर है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका एक्सपोर्ट कहा जाता है, उस पर जब एक सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा था, उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। उस समय न कोई छात्र नेता, न कोई छात्र संघ का पदाधिकारी, न विश्वविद्यालय का प्रोफेसर और न कुलपत उस मुद्दे पर बोल रहा था। उस समय एक छात्र की हैसियत से उस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ पर्दाफाश करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हमने वहां की सुपरिटेंडेंट जो रहे हो उनके खिलाफ हमने वाइस चांसलर की जाँच कराने के लिए दिया था। और उसी पर जब उनकी छटपटाहट थी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे ऊपर दिया था, वो भी हमारे ऊपर तो समाप्त हो गया उसी तरीके से। हमें गनीमत है कि उन्होंने शिक्षिका के ऊपर आरोप लगाया और उसका भी उनके पास प्रमाण नहीं होगा, वो भी मामला पहले का ही खत्म हो चुका है। अगर उनके पास कोई गवाह हो, सबूत हो तो लेके आवे, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। तो वहीं से मैं राजनीति में पैदाइश हुआ हूँ और उसको मैं आदर्श मानता हूँ कि जहाँ जुल्म अत्याचार अन्याय हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर, वहाँ की छात्राओं के ऊपर, तो उनके मान सम्मान स्वाभिमान को अपना समझ के, वो अपने परिवार की बेटी बहन को समझ के उनके हक की लड़ाई लड़ा और ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय की गरिमा को कायम रखने के लिए मैंने सामाजिक क्षेत्र में कदम रखा, जिसकी वजह से आज राजनीतिक क्षेत्र में आ गया और मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं। मुझे गर्व है। शिक्षिका ने आरोप लगाया तो कोर्ट में जाकर के स्वयं कहे कि नहीं, वो कोई और थे, उपेंद्र तिवारी नहीं थे। वो समय आवेश ना करके मैंने कहा था कि उपेंद्र तिवारी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा और मामला खत्म भी है। मंत्री जी एक सवाल, आपकी सरकार है, आपका सरकारी तंत्र है, अंबिका चौधरी भ्रष्ट है, आप जैसे कह रहे हैं तो भ्रष्टता का पूरा रिपोर्ट आपने दिखाया, लेकिन अभी तक ना उनकी कोई कार्रवाई हुई। आज तो अभी 6 करोड़ 78 लाख रुपए की 6 करोड़ 78 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ है। चितवाड़ा गांव थाने में मुकदमा 25 दिन पहले से दर्ज है, ये जानकारी नहीं आपको? उसी में भागे फिर रहे हैं और रिकवरी में आदेश है सिर्फ 1 साल का कि उनसे वसूल किया जाए। आप जब 25 साल जो लूटपाट किए हैं, हो जाएगा तो पूरे कपूरी का हाथा बिक जाएगा। यही तो छटपटाहट है, इसी फ्रस्ट्रेशन में गाली गुप्ता और हत्या पर उनका खानदान आया हुआ, लेकिन चाहे जितना हत्या करा उनका जो कार्यालय बना हुआ है वो भी सरकारी जमीन पर, बिल्कुल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। वो चीन तब तक करवाई होगी, बस चुनाव बीतने के 1 महीने के अंदर करवाई हो जाएगी, 1 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल पूरा चिन्हित हो चुका है। नहीं 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 नहीं, गाली गलौज मामला गरमाने पे ही गाली गलौज हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर जब मुकदमा कायम हुआ है, जब लखनऊ की जमीन उनकी 13.5 बीघा 250 करोड़ की वापस आई है, अब कोर्ट में 2-2 बार गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी रिट को फेफना थाने की, तो जानते हैं कि जैसे चुनाव खत्म होगा तो हमारे तो इसलिए उन्होंने धमकाने की कोशिश की, जैसे खदान घोटाले मुकदमा कायम हुआ तब उनको लगा कि मुकदमा रिकवरी जेल तक मामला आ रहा है, तो या तो इसको धमकाया जाए, नहीं तो इसको जान से मार दिया जाए, नहीं तो हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, तो हत्या कराने के लिए गुंडे भी बुला रखे हैं। लेकिन बुलावे जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक ये जबान बंद होने वाली नहीं।
मंत्री जी, इस समय चुनाव की स्थिति है और चुनाव पिकअप पर चल रहा है, और इस बीच आपके उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार से लेकर के दबंगई तक का, आप किस तरह से देखते हैं? उपेंद्र तिवारी जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उनका स्वयं का आचरण बहुत ही आपत्तिजनक है और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। गर्ल्स हॉस्टल में जा करके महिलाओं से दुर्व्यवहार तक का मुकदमा उनके ऊपर चल चुका है और 13 मुकदमे इलाहाबाद से उनके खिलाफ चल रहे हैं, चल रहे होंगे, पता नहीं उनका क्या चल रहा है। और ऐसे व्यक्ति का, और जो बार बार इतनी अनर्गल बातें करता हूँ, उसको बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। और जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल आधारहीन है। उन्होंने जो जिस भूमि का जिक्र किया है कि उन्होंने सवाल उठाया, वो जब विधायक के रूप में पैदा ही नहीं थे, विधायक के रूप में पैदा हुए 2012 में, और उसके पहले 2006 से वो भूमि हमारे पास है, हाई कोर्ट का ऑर्डर से आज भी हमारे ही पास है, नौबस्ता कला की जिस भूमि की वो बात करते हैं। और दूसरा अनर्थ उन्होंने ये किया है कि वो हमारे भांजे का जो नाम लेते हैं कि वो IAS थे, कलेक्टर थे, वो कलेक्टर श्री अनुराग यादव 2012 में हुए लखनऊ के, और यह कैबिनेट ने 2006 में मुझे दिया था, इसलिए उनको उनकी इन बातों को बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता। जहाँ तक ये नागा चौधरी, सतीश चौधरी के पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, मुझे नहीं पता कि ये भी उन्होंने किसी साजिश के तहत लगाया है या सचमुच नागा चौधरी ने उनको गाली देने का काम किया है, मुझे नहीं पता। जो कुछ भी घटना हो, अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी हम उसका स्वागत करेंगे। और इस प्रकार का मैं उपेंद्र तिवारी जी आज से नहीं, अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में उनका जो आचरण रहा है वो इसी प्रकार का रहा है, इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता। मानते हैं आपकी उपेंद्र तिवारी कहीं ना कहीं विवादों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं? नहीं, उपेंद्र तिवारी तो सिर्फ विवादों के बीच रहने वाले नहीं हैं, उनका आचरण ये है कि नरही थाने पर गोकशी में जो लोग बंद थे उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने जो अनर्थ किया, और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस को शाम को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें फर्जी प्लास्टर हाथ में बंधवा करके रोने गाने का काम उन्होंने किया था, जिला भी जानता है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। गोकसी में जो लोग पकड़े गए थे और गोकसी के लिए गाय ले जाई जा रही थी, उनको नरही थाने ने पकड़ा था और उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने बड़ा भारी आंदोलन किया, और उनकी गैर जिम्मेदारी से इस आंदोलन में जो अपराजिन अपराधियों को उन्होंने जुटाया था, उनकी गोली से एक निर्दोष की हत्या हो गई, हमने उसकी मदद किया, उसकी पत्नी को नौकरी दिया, उनको सरकारी मदद दिया। और उपेंद्र तिवारी का इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मरता है कौन जीता है, उनका मतलब सिर्फ इतने से है कि जो उनका लूट तंत्र चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन मैं इससे विचलित नहीं हूँ, और मूल बात यह है कि इस चुनाव में वो मेरा ध्यान भटकाने के लिए अगर इधर उधर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो 19 तारीख तक मैं इसके बारे में अपना ध्यान हटाने वाला नहीं हूँ। गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी को जिताने के बाद ही मैं उनके सवालों का ठीक से जवाब दूंगा। मंत्री जी, सबसे आम सवाल है कि इस पार्टी के दो ऐसे सांसद हैं जो कहें, उनका एक वीडियो हमारे पास है जिसमें कि सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि कोई भी धंधा बंद नहीं है, उनको 10 करोड़ रुपए गोकसी के नाम पर मंथ चाहिए, जिसमें हरिनारायण राजभर का वीडियो भी वायरल है, और हरिनारायण राजभर ने सीधे सीधे रविंद्र कुशवाहा को गालियां देते हुए कह रहे हैं कि वह कहीं नहीं भग सकता है, वह भी इसमें हिस्सेदार है और वह भी लिया है। तो क्या ये मानते हैं कि आपकी सरकार के ऊपर जो आक्षेप लग रहे थे आज वह अनवरत कार्य चल रहे हैं योगी की सरकार में? मैं नहीं बता सकता इस बारे में, मुझे किसी सांसद के ऐसे वीडियो वायरल की निजी जानकारी नहीं। अगर इस तरह की वीडियो आपके सामने आती है तो आप क्या कहेंगे? अगर आएगा तो देखेंगे क्या है कैसे है, लेकिन मुझे मेरी जानकारी नहीं।